आज मेरा ग्रेजुएशन है और बड़ी मुश्किल से मैं तैयार हुई हूँ, बट मुझे कोट पहनना पड़ा क्योंकि बाहर ठंडी है, बाकी साड़ी पहनी मैंने. नाउ आई एम गोइंग टू द कैंपस, टू वुमेन कैंपस, जहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी है. और मेरा टाइमिंग इतना ख़राब है ना हर चीज़ का, मुझे निकलना था 9 बजे, अब 9:40 हो रहा है और अब मैं जा रही हूँ. ऊपर से साड़ी पहन के इतना स्लो स्लो चलना पड़ रहा है, मैं फास्ट फास्ट नहीं चल पा रही हूँ, डर लग रहा है. वैसे ना यूनिवर्सिटी की कैंपस में जो बस चलती है एक कैंपस से दूसरे कैंपस, वो बस बंद है अभी क्योंकि विंटर वेकेशन चल रहे हैं, इसलिए मुझे ट्रेन से जाना पड़ेगा सबवे से. तो और ऑकवर्ड फील हो रहा है यार, मतलब साड़ी पहन के सबवे पे लड़की घूम रही है. मेरे दूसरे दोस्तों के जाने वाले, मुझे फ्लावर्स भी चाहिए. उसके लाई थी और कॉन्फ्रेंस में आने के फायदे होते हैं इसीलिए मैं आई. मैं बहुत थक गई, मतलब सुबह में मेरा ग्रेजुएशन सेरेमनी था, वहां से मैं भागते भागते घर गई, फिर मैं चेंज की, फिर मैं इधर आई. टू मच इधर उधर. प्रोफेसर, मेरे सीनियर्स, मेरा लैब मेट, सब मिलकर हम लोग इधर आए सेमिनार में. उल्सान, उल्सान जगह का नाम है, बुसान के थोड़ा आगे, वहाँ आए हैं. और यहाँ पर हम लोग एक दिन रुकने वाले, मतलब एक रात रुकने वाले. तो हम लोग आए यहाँ पे, सेमिनार अटेंड किए, हो गया सेमिनार कंप्लीट. अब हम आकर अपने रूम में, सबको एक एक रूम मिला है मस्त वाला. मैं अपने रूम टूर दे दी तुम लोग को, होटल का रूम टूर. और फिर इसके बाद हम लोग 6:30 बजे जा रहे हैं डिनर करने, क्योंकि कोरिया में जल्दी डिनर होता है, मेरा भी जल्दी होगा फिर, जाहिर सी बात है. ओए यहाँ लाइट अच्छी आ रही है. तो फिर 6:30 बजे हम जा रहे हैं डिनर के लिए. देन आफ्टर दैट अगेन मैं अपने कमरे में आ जाऊँगी, लेकिन तब मैं बात नहीं कर पाऊँगी या तब मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मी से बात करूँगी तब मैं, इसलिए मैं सोची मैं अब बनाती हूँ. पता है ऐसे बेड के बाजू में लैम्प हुआ, ये सपना मेरा सपना ही रह गया है, ये सिर्फ होटलों में पूरा होता है. देखो बंद हो गया, हाय चालू हो गया, बंद हो गया, चालू हो गया, आई ये है कितना प्यारा लैंप है. कब होगा मेरा वो घर जहां मेरे पलंग के बाजू में ही मेरा लैंप हो. एनीवेज मैं तुम लोग को अभी रूम दिखाती हूँ अच्छे से. तो ये है कुछ कॉरिडोर का सीन, ऐसे लग रहा है वहीं से निकल कर कोई आएगा अभी फटक से भाग. दिस इज द कॉरिडोर. जाहिर सी बात है कोरिया में हूँ तो फिर ऑटोमेटिक डोर मतलब यही होगा लॉक, ताला चाबी तो नहीं हो गया अपने. देन कम आते ही यहाँ पे ये है जिसके अंदर कपड़े वगैरह रख सकते हैं हम अपने. मैंने अपना जैकेट रखा है. देन दिस प्लेस इज़ हियर टू पुट योर स्टफ़, और जो मतलब जो भी लगेज वगैरह लाते हैं. तो मैंने यहाँ पे अपना बैग रखा हुआ है और ऊपर भी है, पर मेरे पास इतना सामान नहीं है. मेरी सीनियर्स लोग ने अपना वो लेकर आई है, छोटी सी फ्रिज है इधर पे जिसके अंदर 2 बॉटल है, और मेरे पास कुछ नहीं है. मेरे को मैं ये भी इसमें रख देती, ये मुझे अभी मिला है, ये वाला जूस सेमिनार में मिला है, जो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है. आई डोंट वांट टू ड्रिंक दिस. तो ये हो गया. हाँ सॉरी, ये चप्पल भी मिली है यहाँ पर. और फिर ये वाला एक सिटिंग एरिया है, डेस्क है, और ये नीचे चेयर रखी हुई है. ये क्या है यार, ये पता नहीं क्या है, देखो ऐसे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो क्या है. बाकी उधर पर डस्टबिन है, ये इतना छोटू सा आईना है यहाँ पर जैसे मैं भी आड़ी टेढ़ी दिख रही हूँ. नाउ इट्स लाइक मैं थोड़ा ठीक लग रहा है. ओके बेड, बेड के साथ एक व्यू. व्यू में कुछ इतना बहुत ज़्यादा स्पेशल तो नहीं है, पर वो रोड दिख रहा है अच्छा और बहुत सारी बिल्डिंग्स लग रही है बहुत मस्त. मैं नज़दीक से दिखाती हूँ. ये रहा मेरा सपनों वाला लैम्प. मैं इसको घर लेकर जाऊँ क्या बैग में डाल के? ये देखो ऐसी ऐसी कोजी वाइब देने वाला लाइट चाहिए मुझे. और ये रहा बाथरूम ब्राइट. एनीवेज व्यू दिखाती हूँ मैं तुम लोग को. ओ तेरी ये साइड तो मैंने ऐसे घुमाई नहीं थी. मैं भी अभी देख रही हूँ, प्यारा लग रहा है ना वो. यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस ट्रैफिक के बहुत सही है. मुझे सामने वो पोस्टर पे घर बना हुआ है ना, वो भी बड़ा प्यारा है. वो बच्चे होते हैं ना जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर बोलते हैं एक दिन हमारा भी घर होगा इस बिल्डिंग में. मैं वो बच्ची हूँ. तो अभी फ़िलहाल घर तो नहीं है, पर ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहने मिलता है.
दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग फॉर मी, बिकॉज भाई हर किसी को नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा बड़ा सोचती हूँ अभी, मैं सोचती हूँ कि नहीं अब ये हो गया, इससे बड़ा चाहिए। इंसान की लालच खत्म ही नहीं होती है, मेरे को समझ में नहीं आता मैं एम्बिशियस या लालची हूँ। मतलब मैं कुछ तो हूँ, आई एम समथिंग, शायद मैं लालची हूँ, मैं एम्बिशियस हूँ, समझे, मैं एम्बिशियस हूँ। पता नहीं मेरा मेरा अच्छा साइड बोल रहा है कि तू एम्बिशियस है अपनी लाइफ को लेके, बुरा साइड बोल रहा है लालची औरत। लेकिन कोई नहीं, जो भी है, मेरे को अच्छा करने के लिए मोटिवेशन अपने अंदर से ही आता है कि शाजिया तू कर सकती है, तू कर सकती है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोफेसर है। तो कैफ़े में फिर उन्होंने मेरे को टोस्ट दिए, मतलब दिलाए दिलाए टोस्ट और हॉट चॉकलेट। फिर मैं वो खाई पी और वहाँ से हम लोग फिर निकल के आए। माई प्रोफेसर इज़ वेरी काइंड अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब होता है कोरिया में क्या होता है पता है, कि प्रोफेसर लोग का बहुत मगजमारी होता है। प्रोफेसर अगर अच्छा ना मिला आपकी ज़िंदगी अजाब हो जाती है। वैसे मुझे भी बहुत मुश्किल हुई पढ़ाई वढ़ाई में हर चीज़ में, बट प्रोफेसर वॉज वेरी सपोर्टिव, वेरी हेल्पफुल, वेरी काइंड। तो शुरू से लेके अब तक मेरे को ऐसे प्रोफेसर की तरफ से ऐसा कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं आया। कभी कभी होता था तो मैं रो देती थी क्योंकि मेरे को रोना आ जाता था। मैं किसी की डांटी नहीं सुन सकती, ठीक है, मतलब अगर सुन भी लूँ तो मुझे अकेले में रोना आएगा फिर, तो मैं रो देती थी। मेरा प्रोफेसर अच्छा है, इस वजह से मेरा ग्रेजुएशन बराबर टाइम पे हुआ है। ना तो यहाँ पर लोगों के ना 2-2 साल में नहीं होते यहाँ पे मास्टर्स, यहाँ 2.5 साल 3 साल लगता है मास्टर्स कंप्लीट करने। मेरा 2 साल में हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हुआ, हो गया जल्दी। मैं खुश तो हूँ, बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है यार इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, मतलब 2 साल इतनी जल्दी हो गए, पता ही नहीं चल रहा है कि इतनी जल्दी टाइम कैसे ख़त्म हो गया। पर हो गया, क्या कर सकते हैं, अभी अब लाइफ बहुत है, आगे आगे बढ़ेंगे, कुछ और करेंगे, देखते हैं आगे क्या करना है। फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ाई तो नहीं करनी है अभी, फिलहाल पढ़ाई नहीं करनी। हो सकता है एक 4-6 महीने के बाद दिमाग बदले तो वापस पढ़ाई करूँ, लेकिन फिलहाल नहीं करनी, बहुत पढ़ ली, अब थोड़ा रेस्ट, दिमाग को थोड़ा आराम चाहिए मेरे। सॉरी मैं सब कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए, 6:20 हो गए, तब से मैं टाइम पास ही कर रही थी, फोटो क्लिक्स कर रही थी, तो मैंने कुछ की नहीं तो क्या रिकॉर्ड करती। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ बाहर, अभी मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाली क्योंकि प्रोफेसर साथ में, तो आने के बाद थोड़ी गपशप करेंगे, बताती हूँ तुम लोग को वहाँ खाने में क्या है, अच्छा होना चाहिए, बस हलाल होना चाहिए, बाकी अल्लाह मालिक। चलो चलते हैं, बाय। हम लोग रुके वो एक्चुअली है बिजनेस लाउंज, ये उसका फर्स्ट फ्लोर है, रिसेप्शन रिसेप्शन एंड द ई मार्ट, यहाँ पर हर जगह होता है ना ई मार्ट वी मार्ट। मैं तुम लोग को इसका बाहर का दिखाती हूँ, ये हदान से थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। एंड आई लाइक दिस दिस स्टैचू, नीचे बाप है फिर माँ है फिर बच्चे। बारिश हो रही है हल्की हल्की, मेरे पास छाता नहीं है। So, यहाँ पे खाने में है वॉर्म्स और जिंदा मच्छी जो कि हम लोग नहीं खा रहे, और सिप्पी भी है। खाना आ गया, खाने के इसमें है यहाँ पर राइस एंड देन तो यहाँ पर कच्ची मच्छी थी जो हम लोग को नहीं खाना था, तो हम लोग जा रहे हैं अभी इंडियन रेस्टोरेंट में, वहाँ पर कुछ खाएंगे। यार रॉ फिश इतनी रॉ, पूरी कच्ची दिख रही है सामने सामने, मतलब बिल्कुल भी नहीं पकी हुई है। कीड़ा भी था यहाँ पर, क्या कीड़ा है पता नहीं, लोगों कीड़ा खाते रहते जब देखो जब। ढूंढते ढूंढते हम कहीं आ गए हैं, और ये बहुत चमकीली जगह है, वहाँ पर एक जाइंट व्हील भी है। तो मिला है मुझे ये नमस्कार रेस्टोरेंट, एक इंडियन जहाँ पे हम लोग आए हैं। बैकग्राउंड में हिंदी खाना भी बज रहा है। चिकन 2 प्याज़ा और मेरा नान आ गया है, बिरयानी आनी बाकी है, ये लोग अभी आ गया है खा रहे पहली बार लाइफ में मैं शराब खाने में आई हूँ। एक्चुअली दिस इज़ अ पब, यहाँ पे पार्टी होने वाली है, पर हम पियेंगे नहीं, लेकिन कोको कोला पियेंगे, कोको कोला शराब नहीं पियेंगे। ये
मैं दो साल से हूँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं बाहर आई हब में, वो भी कॉलेज वालों के साथ। और वैसे तो ये है शराब वराब वाला, दिख ही रहा होगा, लग ही रहा होगा, एकदम ठीका लगा। लेकिन मैं इधर पे शराब नहीं पीने वाली हूँ। यहाँ आने का मकसद ये है कि प्रोफेसर इधर आ रहा है और उसके साथ उसके कलीग्स भी आ रहे हैं, सो मेरा गेट टुगेदर, मेरा उनसे बातचीत हो जाएगा, जो कि मेरे लिए अच्छा है। और दूसरा, मैं ऐसे जल्दी निकलने की कोशिश करूँगी। तो मेरे साथ एक और मेरा मुस्लिम फ्रेंड है, वो भी नहीं पीता है, हम नहीं पीते, तो हम निकल जाएंगे जल्दी। और ये लोग कोको कोला लेने वाले हमारे लिए अलग से, और यहाँ पे कुछ डिशेज है जैसे पिज़्ज़ा है, फ्रेंच फ्राइज है, ये सब खा सकते हैं। तो हम और कुछ नहीं लेंगे, यही खाएंगे और निकलेंगे। फिलहाल ये लोग ने दिए हैं चाखना, विच इज़ दिस, हम लोग जिसको लल्ली बोलते हैं, लल्ली। मेरे सीनियर लोग फ़ोटो ले रहे थे। मेरे को बोल रहे कि ट्राई कर ले वो, तो मैं बोलता हूँ जी तुम लोग को, देखो ये सब, ये टाइम था ना, तुम लोग का मेन ईमान चेक होता है, सही से एकदम ध्यान रखो, अपने ईमान की हिफाजत करो। मेरी सुबह हुई है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ये रहा व्यू। वापस गाड़ियाँ जाना शुरू हो गई है। शो कुछ इतना खास नहीं है, पर मेरे को ये कमरा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, व्यू रात में अच्छा लग रहा था। हमें कोई कपड़ा छोड़ के जाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, सुबह हो गई है अभी, एंड नाश्ता करने के लिए नीचे बुला रहे थे, बट नाश्ता जो था वो हमारे ऊपर था, हमें पे करके नाश्ता करना था, और मैंने बोले मुझे नहीं करना अभी, कल का रात का खाना भी हमारे ऊपर ही था, तो मैं अभी नहीं की नाश्ता नीचे से, क्योंकि कल रात में बिरयानी लेकर आई थी, और मैं बिरयानी अभी नाश्ते में खाई, तो मैं बोले मेरे को नीचे से नहीं करना। कितने का पता है, एक टोस्ट एंड स्क्रैम्बल्ड एग और कुछ थोड़ा सा सलाद है, वो है 10,000 कोरियन वन का, और बाकी कोरियन नाश्ता है, पैनकेक्स ही है, वो पता नहीं और क्या क्या, तो वो मुझे नहीं खाना। मैंने बिरयानी खा ली, मेरा नाश्ता हो गया, तो अब मेरे को बोले कि 10:30 बजे तक डाउन स्टेयर आ जाना, नीचे आ जाना। मैं बोली ठीक है, तब तक मैं ऊपर ही हूँ, तो मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोची वीडियो बना लेते। तो सुबह में कुछ ऐसे दिखता है कमरा, काफ़ी रोशनी आती है यहाँ से। तो इसमें से आवाज़ आ रही है मुझे। कब से आ रही है पता है, जब से मैं सोच रही हूँ अभी जाएगी, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई नहा रहा है, जबकि यहाँ कोई है ही नहीं। एनीवेज, तो अब हम बाहर आते हैं। ये रहा हमारे बिरयानी का थैली और ये बिरयानी का डब्बा जो कि हमें फेंकना है। इतनी ठंडी लग रही है, चलो खिड़की खोल के अब बंद। ओके, फैन ज़्यादा नहीं खोलने का, मेरे को डर लग रहा है कहीं यहाँ से मैं नीचे गिर गई तो हो गया उजाला से। 10 दिन ख़त्म हो गया और अब मुझे ये मिल रहा है, ये ब्लू बैग है जिसको मैंने ट्राई नहीं की, तो इसको हम अपने घर लेकर जाएंगे और घर जाकर ट्राई करेंगे। कि मैं ना करूँ ऐसी हरकतें, पर अंदर से आ जाता है कि कर, क्यों नहीं कर रही है पागल, कर। मैं कर लेती हूँ फिर। मैं डिसअपियर हो रही हूँ इस रूम से, क्योंकि 10:30 बजे बोले थे नीचे रुकने। It's almost 10:25 and I'll leave now. Bye bye. अब finally vlog का end होता है, ठीक है, bye bye, take care, और मिलते हैं अगली video में अगले experience के साथ। और बस like करो, share करो, comment करो।